आज कुरुक्षेत्र ग्लोबल सिटी सेक्टर 29, जिसे लोग जिंदल सिटी के नाम से भी जानते हैं, यहां रहने वाले निवासियों ने आज बढ़ाए गए मेंटेनेंस चार्जेस और अपने कई अन्य मांगों को लेकर 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन कंपनी के कार्यालय के समक्ष किया। प्रदर्शन कर रहे कुरुक्षेत्र ग्लोबल सिटी यानी जिंदल सिटी के निवासियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका प्रदर्शन प्रतिदिन इसी प्रकार जारी रहेगा। उन्होंने अपनी मुख्य मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 3 साल के मेंटेनेंस का ऑडिट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा करवाया जाए, हॉर्टिकल्चर पाइप चालू किया जाए, 33 केवी सब स्टेशन कम्प्लीट किया जाए, क्लब मेंबरशिप के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया है उसे वापस किया जाए, गैर कानूनी ढंग से नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जेस बंद किए जाए और जिन निवासियों से नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जेस लिए गए हैं उन्हें वापस किया जाए, टाउनशिप को अतिरिक्त समय के लिए बिना कम्प्लीशन लिया जाए। इस प्रदर्शन में पूनम चहल, कुलदीप सिंह, राजकुमार आर्य, राजबीर सिंह, वीके गुप्ता, सुरमुख सिंह, करम सिंह, बीके कौशिक, संदीप नरवाल, मंजीत चहल, जय सिंह मेला, गुरबच्चन सिंह, राजपाल सिंह व अन्य निवासी भी शामिल हुए। JDPL के जो हुक्मरान हैं उनसे लगातार 2-2.5 साल से हमारी डिमांडें रख रहे हैं, लेकिन लगातार वो हमें गोलीबाजी करते रहते हैं तथा किसी भी डिमांड की तरफ उन्होंने हमारे ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। मुख्य डिमांड क्या है जिसके कारण आज प्रदर्शन किया सभी इकट्ठा हुए? मुख्य डिमांड ये है जी कि ये प्लॉट, ये कॉलोनी उनको 2 साल के लाइसेंस पे मिली थी कि 2 साल में इसको डेवलप करो और ये प्लॉटेड कॉलोनी है। 2 साल के बाद उन्होंने लगातार एक्सटेंशन लेते रहे हैं, 2 साल के प्रोजेक्ट को 3-3 साल की एक्सटेंशन लेते रहे हैं सरकार से मिलके, और आज भी वो उन्होंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। हमारे से लूट खसोट जारी है। मेंबरशिप के पैसे प्लॉट अलॉट करने के टाइम पे ले लिए, जो 1 करोड़ रुपया तो उन्होंने मान लिया है 12 साल पहले वो इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने पूरी कॉलोनी पे 125 रुपये पर स्क्वेयर यार्ड के हिसाब से क्लब की मेंबरशिप चार्जेज अलग से लगा दिए, जबकि वो कहते हैं हमारे कहने से हर एक आदमी मेंबर है, जबकि क्लब का मेंबर बनना किसी को बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है और वो 1 करोड़ रुपया जो वो खुद मान रहे हैं कहाँ गया उसका कोई हिसाब नहीं है। हमें वो 1 करोड़ रुपया ब्याज समेत वापस चाहिए जो हम मेंबर्स को दे सकें या क्लब के भविष्य के लिए लगा सकें। तो और कोई भी परेशानियां आ रही हैं जो लोग यहाँ रहते हैं? जी हाँ, आज तक उन्होंने जो 2 साल में कंप्लीट करना था सब स्टेशन, आज तक 15 साल के बाद भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। हमारी डिमांड है कि उसको कंप्लीट किया जाए जल्दी से जल्दी। एक उन्होंने हमारे से नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जेस लेने शुरू किए हैं जिन लोगों ने अभी तक अपने घर नहीं बनाए, यह उनको एक प्लॉटेड कॉलोनी मिली है, ना कि कंस्ट्रक्शन करवाने का भी उनको कोई ठेका है। वो पैसे क्यों ले रहे हैं और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, हमें वो चाहिए कि भी उन लोगों के पैसे वापस किए जाए ब्याज समेत जो उन्होंने नाजायज पैसे लिए हैं। अगर आपकी मांग जल्द नहीं मानी जाती तो आंदोलन का क्या रूप रहेगा? आंदोलन का रूप बैठ के मीटिंग करेंगे, किसी भी दिशा में ये जा सकता है, उग्र से उग्र। हम हमारा हक लेके ही रहेंगे चाहे किसी भी सीमा तक हमें जाना पड़ेगा। हमारी गहरी आस्था है और हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष के रास्ते पर हम यूं ही चलते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। कंपनी को झूठे वादे नहीं करने चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने आज एक रवैया और ट्रेंड चला रखा है कि झूठे जो है झांसों में ये बना के प्रोपेगेंडा, ये प्लॉट्स बेचते हैं, विलास बेचते हैं और फिर लोगों को परेशान करते हैं। तो हम सबको जागरूक करना चाहते हैं और सबको कहना चाहते हैं कि अधिकारों की लड़ाई लड़ो और अपने हक पाओ। तो संघर्ष के रास्ते पे हम लोग अग्रसर हैं। मैम, जैसे आज 2 घंटे का प्रदर्शन किया गया, अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है मैनेजमेंट वालों से? हमारी 2-2.5 साल से हमारे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है, लगातार हमारी मीटिंग्स होती रहती है और यही हमारी मांगे पिछले 15 सालों से चली आ रही है। RW बदल रही है, मांग नहीं बदली है। ये जो है ना सर, जी हमें प्रदर्शन मेनली इसलिए करना पड़ा कि भी हमारी समस्याएं हैं। हेड ऑफिस है इनका सोनीपत में, उन्होंने यहाँ पे भी अपने ऑफिशियल बिठाए हुए हैं, ऑफिस बना रखा है बकायदा। हम यहाँ रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आते हैं ना, कोई अपनी एप्लीकेशन या कुछ, ये वो भी एंटरटेन नहीं करते। अभी लेटेस्ट हमने बड़े हुए मेंटेनेंस के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी यहाँ, इन्होंने वो हमारी ली नहीं, डिक्लाइन कर दी कि हम नहीं लेंगे। अरे आप ले हो तो उस पर एक्शन ले हो ना ले हो वो बाद का काम है, आप ले नहीं रहे इस करके हमें प्रदर्शन में आना पड़ा। आज ऑफिस आज कोई भी बंदा ऑफिस में नहीं है इनका, आज आप जाके चेक कर सकते हो, कोई भी बंदा ऑफिस में नहीं है, ऑफिस बंद करके चले गए। हमारा आंदोलन विशेष रूप से बढ़े हुए मेंटेनेंस चार्जेस के खिलाफ है, जो कि हमने कई बार इनसे मिलने की कोशिश की है, इसके बारे में इन्होंने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया, कोई भी जो है हमें, हमने 3 साल का इनसे
अकाउंट मांगा है कि आप हमें जो पैसा हम दे रहे हैं उसका हमें हिसाब दीजिए, इन्होंने वो हिसाब हमें अभी तक नहीं दिया। तो और ये बढ़ा दिया है इन्होंने, पहले उन्होंने 3 रुपये मेंटेनेंस चार्ज था, अब 6 रुपये कर दिया है, जो कि अनजस्टिफाइड है, इलॉजिकल है। और जो है उसको हम लोगों से किसी को भी इसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, बढ़ाते समय पर क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है ये भी नहीं बताया गया। इसके विशेष रूप से मेंटेनेंस चार्ज के खिलाफ, क्लब का जो क्लब से मेंबरशिप के खिलाफ, और सब स्टेशन पावर स्टेशन जो बनाया जाना है वो नहीं बनाया गया, और जो है हमारी जो मेंटेनेंस जो रोड्स वगैरह का और चीज़ों का वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, वो भी रहता है, सारी चीज़ें जो है तो कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट पड़ी हुई हैं जो इन्होंने अभी तक अपने जो वायदे पूरे किए थे वायदे पूरे नहीं किए।